नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, यह है प्लामू किले का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने जाना था राजा मेदिनी राय के बारे में, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। और आज हम लोग जानेंगे पलामू ज़िले के बारे में, क्योंकि इस किले के बारे में जानने से पहले हमें पलामू ज़िले के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पलामू ज़िला 1 जनवरी 1892 में अस्तित्व में आया। इससे पहले 1857 के विद्रोह के बाद से यह डाल्टनगंज में मुख्यालय के साथ एक उपखंड था। 1871 में परगना, जपला और बेलोजा को गया से पलामू में स्थानांतरित कर दिया गया था। पलामू को पलून या पालून के रूप में मुगलों द्वारा जाना जाता था। पलामू का इतिहास मुगल काल से अधिक प्रामाणिक है। वर्ष 1598 ईस्वी में एक वर्ष तक मानसिंह ने बिहार प्रांत के गवर्नर का पद ग्रहण किया। मानसिंह ने चेरवों के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन चेरवों ने भी उसका रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। राजा मानसिंह ने कई लोगों को मार डाला और कई चेरो सेनानियों को कैदियों के रूप में अपने किले में बंद कर दिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु तक चेरवों के बाद के इतिहास के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भागवत राय ने राजा मानसिंह के पूरे परिवार के लोगों को मारकर राज्य पर अपना कब्जा कर लिया था और पलामू पर अपने चेरो वंश की स्थापना कर दी थी। और ये वही वक्त था जब सन 1613 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जहांगीर का शासन चल रहा था, और इसी वक्त पलामू में चेरो राजवंश की स्थापना हुई थी। लेकिन अभी के कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि शेर खां की गद्दी पर बैठने से पूर्व ही चेरो राजवंश रोहतास से चलकर पलामू में बस चुके थे। किले की दीवारों में बने यह हुल्स शत्रुओं पर नज़र रखने व उन पर हमला करने के काम आते थे। पूरे किले की दीवारों में ऐसे बहुत से होल बने हैं जिससे कि दुश्मन पर हमला व नज़र रखी जाती थी। राजा भागवत राय की मृत्यु के बाद पलामू के नए शासक बने राजा अनंत राय, परंतु वह ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए। वह मात्र कुछ महीने तक ही पलामू पर अपना शासन कर पाए, क्योंकि उन्हें युद्ध में राजा सहबल राय ने हरा दिया और उनकी इस युद्ध में ही मृत्यु हो गई। राजा सहबल राय पलामू का बहुत शक्तिशाली शासक साबित हुआ। उन्होंने अपना साम्राज्य चौपारण तक बढ़ा लिया था और वह मुगलों के लिए भी समस्याओं का कारण बनते जा रहे थे। राजा सहबल राय मुगल कालीनों को लूटता था और बंगाल से आने जाने वाले रास्ते को बंद कर देता था। उसके इस रवैये से क्रोधित होकर जहांगीर ने उसके खिलाफ मुगल अभियान का आदेश दे दिया, और जिसमें वह हार गया और उसे बंदी बनाकर जहांगीर के सामने दिल्ली में पेश किया गया। चेरों में प्रचलित एक कहानी के अनुसार जहांगीर सहबल राय के शरीर सौष्ठव से इतना प्रभावित था, उसे एक पाग से नेहत्थे यानी कि बगैर किसी हथियार के ही लड़ने के लिए खुले मैदान में छोड़ दिया। और स्वाभाविक है कि बगैर हथियार के कोई भी असाधारण व्यक्ति बाघ से लड़ना तो दूर, लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अंत में सहबल राय की इस लड़ाई में मृत्यु हो गई। राजा सहबल राय की मृत्यु के बाद चेरों ने सीमावर्ती मुगल प्रदेशों को लूटना शुरू कर दिया था, और उन्होंने शाही खजाना ले जाने वाली एक नाव को सोन नदी में लूट लिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि मुगलों ने पलामू पर आक्रमण कर दिया और चेरो राजा को पलामू छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और उन्हें जाकर जंगल में शरण लेनी पड़ी। राजा सहबल राय की मृत्यु के बाद राजा प्रताप राय पलामू के नए शासक बने। राजा प्रताप राय के शासनकाल में पलामू पर मुगलों ने कई बार आक्रमण किया। प्रताप राय एक शक्तिशाली राजा थे और उनके शासनकाल में पलामू अत्यंत सुख और समृद्धि से भर गया था, और उन्हीं के शासनकाल में पलामू के पुराने किले का निर्माण हुआ था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रताप राय के शासनकाल के प्रारंभ से ही मुगल और चेरों का संबंध बेहद ही खराब था।
पलामू को 1632 ईस्वी में पटना के गवर्नर को जागीर के रूप में 1,36,000 के वार्षिक भुगतान के बदले दिया गया था। लेकिन राजा प्रताप राय ने बिहार के सूबेदार को सालाना कर देना बंद कर दिया था और शाहजहाँ के आदेश पर बिहार के सूबेदार साइस्ता खान ने पलामू पर हमला करवा दिया, जिससे चेरों सेनाओं को काफ़ी क्षति हुई और अंत में प्रताप राय ने साइस्ता खान को समझौते के लिए एक पत्र भेजा, जिसमें 30,000 रुपये सालाना कर के रूप में प्रताप राय ने साइस्ता खान को देना स्वीकार किया और एग्रीमेंट के हिसाब से रकम मिल जाने के बाद साइस्ता खान वापस लौट आए। शाहजहाँ के समय पलामू के चेरो राज पर दूसरा हमला सन 1643 ईस्वी में हुआ, जब प्रताप राय ने मुगलों को फिर से सालाना कर देना बंद कर दिया। मुगल के सेनापति जबरदस्त खान ने सन 1643 ईस्वी में पलामू पर हमला कर देवगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद जबरदस्त खान और प्रताप राय के बीच फिर से समझौता हुआ। इसके बाद प्रताप राय सन 1693 ईस्वी तक मुगलों के वफादार बने रहे। चेरों के परंपरागत वंशज के अनुसार सन 1662 ईस्वी से सन 1674 ईस्वी तक पलामू का राजा भोपाल राय था। भोपाल राय अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाए और मात्र कुछ ही महीनों तक ही शासन कर पाए थे, जिनके बाद मेदिनी राय का शासन शुरू हुआ। राजा मेदिनी राय के बारे में मैं पहले भाग में बता चुका हूँ, तो जिन लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है वो लोग जाकर पहला भाग देखें। दोस्तों, जब शाहजहाँ का शासन चल रहा था उस वक्त अहमद खां पटना का सूबेदार था और उसने पलामू के चेरो राजा से फिरौती की मांग की, लेकिन चेरो राजा मेदिनी राय ने फिरौती देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मुगलों ने चेरो राजा पर 3 बार हमला किया। 3 अप्रैल 1660 से दौड़ खान ने हमले की मुहिम शुरू कर दी थी, जिसकी शुरुआत उसने पटना से की थी। बाद में उसने गया के दक्षिण हिस्से में हमला किया और सबसे आखिरी में वो 9 दिसंबर 1660 को पलामू किले तक पहुंचा। फिरौती की रकम देने से चेरो राजा ने इनकार कर दिया था, लेकिन दौड़ खां चाहता था सारे हिंदू लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, तो उसने लगातार किले पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन चेरों के लोगों ने भी पूरी जी जान लगा के किले को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी में दौड़ खान ने किले पर कब्जा कर ही लिया और चेरोआ राजा को जंगल में भागना पड़ा। बाद में फिर हिंदू लोगों को वहां से निकाल दिया गया, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया और इस्लाम लोगों की सत्ता स्थापित कर दी गई। राजा मेदिनी राय की मृत्यु के बाद में उनके चेरो वंश के घर के लोगों में ही दुश्मनी हो गई। उसके कारण ही चेरो वंश का पतन शुरू हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनका राज्य मंत्री और सलाहकार ही संभालते थे। कहा जाता है कि चित्रजीत राय के भतीजे गोपाल राय ने उन्हें धोखा दिया और किले पर आक्रमण करने के लिए अंग्रेजों को पटना परिषद बुलाया। जब कप्तान कामक ने 28 जनवरी 1771 को नए किले पर आक्रमण कर दिया, तो चेरों के सैनिकों ने पूरी जी जान लगा के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन बीच बीच में चेरों सैनिकों को पानी की कमी महसूस हो रही थी, उसी कारण वो लड़ाई लड़ने से पीछे हट गए। उनकी इसी कमजोरी के कारण अंग्रेजों को आसानी से जीत मिल गई और उन्होंने कुछ ज़्यादा मेहनत ना करते हुए भी नए किले को अपने कब्जे में कर लिया था और उस किले की जगह अंग्रेजों के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भाग में शुरुआत में ही बताया था कि इस किले में काफ़ी खूबियाँ हैं, लेकिन इस किले का सबसे माइनस पॉइंट है कि इस किले में कहीं पे भी पानी का स्रोत नहीं है, क्योंकि जब भी किले बनाए जाते थे तो सबसे पहले किले में पानी का स्रोत खोजा जाता था। अभी तक मैंने आपको जितने भी अपने वीडियोस में किले दिखाए हैं उन सभी में पानी का स्रोत था, चाहे किले कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना बनाए गए हों, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं पानी उपलब्ध था और इस किले में पानी की उपलब्धता ना होने के कारण ही इस किले में जो भी सैनिक लड़ते थे वो बहुत ही जल्दी हार मान लेते थे, क्योंकि उन्हें पानी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी
और इस किले में पानी नदी से भर कर लाया जाता था और यहाँ स्टोरेज करके रखा जाता था, जो कि लड़ाई लड़ते वक्त कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता था। इस किले पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने पुराने किले पर भी कब्जा करने की मुहिम शुरू कर दी थी और इस किले के कारण अंग्रेजों को तोप से हमला करना काफ़ी आसान काम हो गया था। चेरों ने भी उनकी तोपों की मदद से अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला कर दिया था, लेकिन 19 मार्च 1771 को अंग्रेजों ने पुराने किले को भी अपने कब्जे में कर लिया और आखिरकार सन 1772 में अंग्रेजों ने दोनों किलों पर कब्जा कर लिया था। कुछ साल गुजरने के बाद चेरों और खरवार इन दोनों ने मिलकर साथ में 1882 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बोल दी, लेकिन उस लड़ाई में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार जुलाई 1771 के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे पलामू पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। दोस्तों, जहां तक किले के संरक्षण की बात की जाए तो रोहतास का किला और शेरगढ़ का किला काफ़ी अच्छी स्थिति में है। दीवारों की संरचना और आकार अभी भी वहां का सुरक्षित है और जैसा कि हम लोग इस किले को देखकर जान पाए हैं, इस किले को संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, यह था नया किला जिसका निर्माण राजा मेदिनी राय ने करवाया था और इसके साथ ही में है एक पुराना किला जिसका निर्माण राजा रक्सेल ने करवाया था। दोस्तों, यह जो आप किले की दीवारों में होल देख रहे हैं, यहाँ से दुश्मनों पर हमला किया जाता था और उन पर नज़र रखी जाती थी। और यह जो आप फाटक देख रहे हैं, ये राजा मेदिनी राय दोईसी के राजा से लड़कर वहाँ से उखाड़ कर लाए थे और उसे इन्होंने यहाँ पे लगवाया था। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पलामू ज़िला और पलामू के किले के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आप लोगों को लगता है कि फिर भी कहीं कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।